वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में, यानी काले मोतिया के बारे में। दोस्तों एक अनुमान के अनुसार भारत में 40 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक लोग काला मोतिया से पीड़ित हैं। दोस्तों अगर उचित समय पर सही उपचार नहीं मिले तो उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यही नहीं, लगभग 3 करोड़ लोगों को प्राथमिक क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा है या होने का खतरा है। दोस्तों इनसे बचने के लिए ज़रूरी है आँखों की नियमित रूप से जाँच व सही उपचार कराएँ, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें और अपने जीवन शैली में बदलाव लाएँ। दोस्तों हम इसी के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि काला मोतिया क्या है, ग्लूकोमा क्या है और इसके उपचार क्या है, रोकथाम क्या है, बचाव क्या है। और दोस्तों ऐसी कौन सी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए जिससे आप इससे बचाव कर सकें, और ऐसा कौन से परहेज़ हैं, ऐसे कौन से परहेज़ करने के आहार हैं जिनसे आप परहेज़ करें। दोस्तों यही सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है और लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे ख़ास और नाजुक अंगों में से एक होती हैं आँखें। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो छोटी सी परेशानी ज़िंदगी भर की तकलीफ बन सकती है, लेकिन लोग आँखों की सेहत पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। दोस्तों यही वजह है कि 40 की उम्र तक आते आते कई लोग आँखों की गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं, उनमें से एक है काला मोतिया। दोस्तों जानिए क्या होता है काला मोतिया। दोस्तों ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है। हमारी आँख एक गुब्बारे की तरह होती है जिसके भीतर एक तरल पदार्थ भरा होता है। आँखों में मौजूद तरल पदार्थ लगातार आँखों के अंदर बनता रहता है और बाहर निकलता रहता है। आँखों के इस तरल पदार्थ के पैदा होने और बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को जब कभी दिक्कत आती है तो आँखों में दबाव बढ़ जाता है। आमतौर पर यह आँखों पर ज़्यादा भार पड़ने से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आँखों की नर्व काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से भार पड़ने से ये नर्व ब्लॉक हो जाती है। ये समस्या बढ़ने पर आँखों की रोशनी भी जा सकती है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी बताया कि काला मोतिया को ग्लूकोमा भी कहते हैं। दोस्तों काला मोतिया का अधिकतर मामलों में कई लक्षण दिखाई नहीं देते, ना ही दर्द होता है, इसलिए ये दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण माना जाता है। काला मोतिया में हमारी आँखों में ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचता है। अगर ऑप्टिक नर्व पर लगातार दबाव पड़े दोस्तों ऑप्टिक नर्व पर लगातार दबाव बढ़ता रहेगा तो वो नष्ट भी हो सकती है। इस दबाव को इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। हमारी आँखों की ऑप्टिक नर्व ही सूचनाओं और किसी चीज़ का चित्र मस्तिष्क पहुंचाती हैं। यदि ऑप्टिक नर्व और आँखों के अन्य भागों पर पड़ने वाले दबाव को कम न किया जाए तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है। दोस्तों पूरे विश्व में काला मोतिया दृष्टिहीनता का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। काला मोतिया के कारण जब एक बार आँखों की रोशनी चली जाती है तो उसे दोबारा पाया नहीं जा सकता। दोस्तों इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आँखों की नियमित अंतराल पर जांच कराई जाए ताकि आँखों पर पड़ने वाला दबाव का कारण पता लगाकर तुरंत उचित इलाज कराया जा सके। अगर काला मोतिया की पहचान प्रारंभिक या स्टार्टिंग स्टेज पर हो जाए तो दृष्टि को कमज़ोर होने यानी नज़र को कमज़ोर होने पर पड़ने से रोका जा सकता है। काला मोतिया किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन उम्र दराज लोगों के मामले अधिक देखे जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोमा और काले मोतिया के प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। दोस्तों काला मोतिया 5 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक या ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, लो टेंशन या नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा के 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक या क्रॉनिक या ओपन एंगल ग्लूकोमा की। दोस्तों ये काला मोतिया सबसे सामान्य प्रकार नॉर्मल प्रकार का होता है। इसमें आँखों से तरल पदार्थ को बाहर निकलने वाली नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण आँखों से तरल पदार्थ उचित मात्रा में बाहर नहीं निकल पाता, जिससे आँखों में दबाव या इंट्रा एक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे
एंगल क्लोजर एक्यूट ग्लूकोमा के बारे में। दोस्तों इसे क्लोज एंगल ग्लूकोमा या नेरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें आंखों से तरल पदार्थों को निकलने वाली नलियां पूरी तरह बंद हो जाती हैं, जिससे आंखों में दबाव तेजी से बढ़ता है। जब प्रभाव एकदम अवरोध हो जाता है तो द्रव अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और तेज दर्द हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लो टेंशन या नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा के बारे में। दोस्तों इसे हिंदी में सामान्य तनाव ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें ऑप्टिक नर्व पर दबाव बढ़े बिना नुकसान पहुंचता है। इसमें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ऑप्टिक नर्व एक संवेदनशील होने या रक्त की आपूर्ति कम मात्रा में होने की समस्या होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोनोजाइटल ग्लूकोमा के बारे में। दोस्तों कोनोजाइटल ग्लूकोमा जन्मजात काला मोतिया कहते हैं। ये समस्या जन्मजात या वंशगणित यानी जेनेटिक दोष या गर्भ व्यवस्था के कारण असामान्य विकास के कारण हो सकती है। दोस्तों इसमें ऑप्टिक नर्व को नुकसान, तरल पदार्थ से निकलने वाली नलियों के ब्लॉक होने या किसी चिकित्सीय समस्या के कारण उन पर दबाव बढ़ने से हो सकता है। दोस्तों अब बात हम करेंगे सेकेंडरी ग्लूकोमा के बारे में। दोस्तों सेकेंडरी ग्लूकोमा किसी ऐसी चिकित्सा स्थिति के कारण हो सकता है जिसमें आंखों पर दबाव बढ़ता है। इसके कारण ऑप्टिक नर्व को क्षति पहुंच सकती है, जो काला मोतिया का कारण बन जाती है। इसका उपचार इस पर निर्भर करता है कि ये ओपन एंगल ग्लूकोमा है या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है। ये चार प्रकार के होते हैं, पिगमेंट्री ग्लूकोमा, सुडो एक्सलोफेटिया ग्लूकोमा, ट्रोमेटिक ग्लूकोमा, न्योवास्कुलर ग्लूकोमा। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ग्लूकोमा के लक्षण सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों ओपन एंगल ग्लूकोमा के प्रारंभिक लक्षणों या चरणों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। जब समस्या गंभीर हो जाती है तब आंखों में ब्लाइंड स्पॉट बनने लगते हैं। काला मोतियों में ऑप्टिक नर्व पहुंच जाती है, परिणाम स्वरूप लक्षण दिखाई देते हैं। इस लक्षणों में इस पर निर्भर करते हैं कि काली मोतिया किस प्रकार का है और किस चरण पर है। दोस्तों ये लक्षण इस प्रकार हैं, आँखों सिर में तेज दर्द होना, नज़र कमज़ोर होना, धुंधला दिखाई देना, आँखों में लाल होना, रोशनी के चारों ओर रंगीन छल्ले दिखाई देना, जी मचलाना, उल्टी आना ये प्रमुख लक्षण हैं ग्लूकोमा के। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, ग्लूकोमा के कॉजेज क्या हैं। दोस्तों काले मोतिया ऑप्टिक नर्व की नुकसान पहुंचने से होता है। जब आंखों से तरल पदार्थ निकलने की प्रक्रिया में रुकावट आती है तो आंखों में दबाव, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता है। ये समस्या क्यों होती है, इसके कई कारण हैं। इसमें से प्रमुख फैक्टर सम्मिलित हैं उम्र बढ़ना। ये समस्या 40 साल से अधिक के लोगों में होती है। दोस्तों 60 साल के बाद भी इसका खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। काला मोतिया पारिवारिक इतिहास, हिस्ट्री या कई चिकित्सीय स्थिति जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, मधुमेह, डायबिटीज़, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सिकल सेल एनीमिया, माइग्रेन आदि, निकट दृष्टि दोष, आंखों की सर्जरी के कारण भी हो सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोमा के टेस्ट और परीक्षण किस तरह किए जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो टेस्ट है उसे बोलते हैं टोनोमेट्री परीक्षण या टेस्ट। इस टेस्ट में आई ड्रॉप डालकर आंखों को सुन किया जाता है, फिर टोनोमीटर उपकरण द्वारा आंखों के आंतरिक दबाव को मापा जाता है। दूसरा जो टेस्ट है उसे बोलते हैं पैरामेट्री। इस जाँच के द्वारा ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि काला मोतिया से आपकी दृष्टि को कितना नुकसान पहुँचा है। दोस्तों अगला जो टेस्ट है उसे बोलते हैं अप्थाल्मोस्कोपी टेस्ट। अप्थाल्मोस्कोपी परीक्षण में ऑप्टिक नर्व की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें आंखों की पुतली को फेलने के लिए आई ड्रॉप डाली जाती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व का आकार और रंग ठीक प्रकार से जांच किया जा सके। दोस्तों अगला जो टेस्ट है उसे बोलते हैं पॉकीमेट्री टेस्ट। इस पॉकीमेट्री द्वारा क्रोनिया की मोटाई को मापा जाता है। ये क्रोनिया की मोटाई मापने का एक आसान और दर्द रहित तरीका है। दोस्तों अगला जो टेस्ट है उसे बोलते हैं गोनियोस्कोपी टेस्ट। गोनियोस्कोपी टेस्ट में ये निर्धारित करने में मदद करता है कि क्रोनिया और आयरिस के बीच का कोण खुला और चौड़ा है या सक्रिय या बंद है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोमा के उपचार क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों काले मोतिया का डायग्नोसिस होने से पहले आंखों को जो नुकसान पहुंच चुका होता है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उपचार के द्वारा लक्षणों को गंभीर होने और दृष्टि को और अधिक नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकता है। उपचार सर्जिकल या नॉन सर्जिकल दोनों तरह से किया जाता है। दोस्तों अब हम आपको इसकी दवाइयों और मेडिसिन के बारे में बताएंगे। दोस्तों दवाइयाँ आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाइयों के रूप में दी जाती हैं। ये काला मोतिया का सबसे प्रारंभिक उपचार है। कुछ दवाइयाँ आँखों में तरल पदार्थ कम बनने से कुछ दबाव कम करने में मदद करती हैं।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि लेज़र ट्यूबुलोप्लास्टी क्या है। दोस्तों लेज़र ट्यूबुलोप्लास्टी आँखों से तरल पदार्थ को निकालने में सहायता करती है। कई मामलों में इस उपचार के पश्चात डॉक्टर दवाइयाँ लेने की सलाह भी देते हैं। लेज़र ट्यूबुलोप्लास्टी कारण से पहले आँखों को सुन करने के लिए आई ड्रॉप डाली जाती है। इसमें प्रकाश और उच्च इंसेंसिटिविटी बीम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ग्लूकोमा फिल्टरिंग सर्जरी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों पारंपरिक सर्जरी में तरल पदार्थ को आँख से बाहर निकालने के लिए एक नया ओपनिंग बनाया जाता है। पारंपरिक सर्जरी तब की जाती है जब दवाइयों और लेज़र सर्जरी से आँखों के दबाव कम करने में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों सर्जरी के पहले आँखों के आसपास के हिस्से को सुन किया जाता है। आँखों के हिस्से को सुन करने के लिए छोटे छोटे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तरल पदार्थ बाहर निकालने के लिए नया रास्ता बनाने के लिए उत्तकों के छोटे से भाग को निकाला जाता है। दोनों आँखों में सर्जरी के 4 से 6 सप्ताह का अंतर रखा जाता है। पारंपरिक सर्जरी के द्वारा आँखों में दबाव को 60 से 80% तक कम करने में सहायता मिलती है। दोस्तों ग्लूकोमा सर्जरी क्या है। ग्लूकोमा सर्जरी काले मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहा जाता है। ग्लूकोमा की सर्जरी तब की जाती है जब दवा या ड्रॉप से कोई नतीजा नहीं मिलता। ऐसे में सर्जरी का विकल्प लिया जाता है। हालांकि ये सर्जरी ऑप्टिक नर्व के बिगड़ने के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि हमारे रेटिना में जो चित्र दिमाग तक पहुँचाने का काम करता है एक तरह का ऑप्टिक नर्व ही होती है। ग्लूकोमा के होने पर आँखों पर दबाव लगता है। कुछ भी देखने पर व्यक्ति को आँखों के अधिक जोर देता है। दोस्तों इससे आँखों के ऑप्टिक नर्व बिगड़ने लगते हैं। चिकित्सा अनुसार ग्लूकोमा का सही पर उपचार करवाना जरूरी। यही नहीं व्यक्ति की आँखों का डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आँखों की जुड़ी समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे चलकर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब हम बताएंगे ग्लूकोमा की सर्जरी क्यों की जाती है। दोस्तों ग्लूकोमा की सर्जरी जरूरत निम्न समस्याओं हो सकती हैं। आँखों में दर्द होना, ऑप्टिक नर्व की गड़बड़ी होना, आँखों में से किसी तरह की समस्या, अगर कुछ भी देखने पर आँखों पर अधिक दबाव लगाना पड़ रहा है तो सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोमा की सर्जरी के बाद उसी दिन अस्पताल से छुट्टी दी जाती है। घर जाने में आपको चिकित्सक की निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना। सर्जरी के बाद जांच के लिए 1 हफ्ते के अंदर अस्पताल जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे हफ्ते आँखों में कैसा लग रहा है, आँखों में कैसा लग रहा है, इस बारे में चिकित्सक को बताएं। घर जाने पर आँखों के लिए दिए गए दवाओं को समय पर लें। आई ड्रॉप डालें। सर्जरी के बाद 1 महीने तक काम के लिए बाहर ना जाएं। आराम करें। सर्जरी के बाद टीवी और लैपटॉप को ना देखें। आँखों की सर्जरी के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक चश्मा लगाएं। सर्जरी के बाद किसी ऐसी जगह पर व्यायाम ना करें जिससे आँखों में मिट्टी पड़े। इसके अलावा भागे दौड़े नहीं जब तक आप अच्छे से ठीक ना हो जाएं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोमा की सर्जरी के बाद क्या जटिलताएं होती हैं। दोस्तों ग्लूकोमा की सर्जरी के बाद मोतियाबिंद का खतरा बढ़ सकता है। जलन की समस्या पैदा हो सकती है। आंखों में ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। देखने में कमजोरी हो सकती है। आंखों पर कम या अधिक का दबाव पड़ सकता है। आंखों में दर्द होना, आंखों में लालिमा होना इसकी जटिलताओं के प्रमुख कारण हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि बचाव और उपाय क्या हैं ग्लूकोमा के। दोस्तों नियमित रूप से आंखों की जांच करवाते रहें ताकि समय समय पर डायग्नोसिस हो जाए, उचित उपचार कराया जा सके। रोजाना वर्कआउट करें ताकि इंट्राएकुलर प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। आंखों की सुरक्षा में विशेष ध्यान रखें क्योंकि आंखों में लगी गंभीर चोट सेकेंडरी ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा का कारण बन सकती है। अगर आपके परिवार में ग्लूकोमा है तो आंखों से संबंधित समस्या है तो डॉक्टर को इस बारे में विस्तार से चर्चा करें। डॉक्टर ने अगर आपको कोई आई ड्रॉप सुझाई है तो इसे नियमित रूप से डालें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि व्यायाम से ग्लूकोमा का खतरा कैसे कम हो सकता है। दोस्तों क्या आप ग्लूकोमा के रोग को कम कर सकते हैं। हाल ही में एक रिसर्च में कुछ लोगों को ग्लूकोमा या काले मोतिया का रोग अगर विकसित हो रहा है तो व्यायाम से ये संभावना कम हो जाती है। दोस्तों क्योंकि ये आपके शरीर और आपकी आँखों के रक्त प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज से एक सक्रिय जीवन शैली लाइफस्टाइल के अलावा आप धूम्रपान भी ना करें। अपना स्वस्थ वजन बनाए रखें और विविध प्रकार के स्वस्थ आहार खाने से ग्लूकोमा काले मोतिया के लिए अपने जोखिम को आप कम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि परहेज और आहार क्या है ग्लूकोमा के। तो दोस्तों लेने वाली डाइट क्या है। दोस्तों आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, विटामिन सी और गिरिया मेवा, अनाज, फलों, सब्जियां, खट्टे फल, पत्तेदार हरी सब्जियां, अंडे, गाजर, दूध, लीन मीट, समुद्री भोजन, ब्लूबेरीज, चेरी, टमाटर, ये सभी ग्लूकोमा के लिए अच्छी डाइट है। दोस्तों अपनी डाइट में इसे शामिल करें। दोस्तों इनसे परहेज करें। दोस्तों चाय और कॉफ़ी, शीतल पेय, शराब, तंबाकू, शक्कर, मसाले और अचार, मांस के आहार से आप परहेज करें। दोस्तों
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ग्लूकोमा यानी काले मोतिया पे है। दोस्तों हमने आपको बताया इसके सिम्टम्स क्या है, उपचार क्या है, परहेज क्या है, आहार क्या है। दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी कि इसकी सर्जरी कैसे होती है। दोस्तों हमने आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।